तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और बात बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के उस तुष्टीकरण वाले बयान की करेंगे, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं से ये बयान चर्चा में है। दरअसल बड़ी खबर ये है, तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए सनातन धर्म को लेकर कहीं ना कहीं से तुष्टीकरण को रुख जो है वो अपनाया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी सनातनी है, सभी मुख्यमंत्री लगभग सनातनी है, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में सनातन धर्म को खतरे में आखिर क्यों कहा जा रहा है? यह सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटने का एक ढोंग है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, सुनवाते हैं आपको। 8-10 बार आगे बिहार सुन लो हो कि क्या कहले हो, क्या बोला, क्या देंगे, कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम खतरा है रे सनातनी के, प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, हर प्रदेश के हर गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में, कैसे रे भाई। अरे ये सब ठग लोग है, ये लोग समाज को बांट करके राज करना चाहता है, इसलिए इनके झांसे में नहीं आना है। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी पर हमला बोला है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सम्राट चौधरी जिन्होंने कहा है कि लालू परिवार लूटने में लगा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बताएं, सम्राट चौधरी का तेजस्वी पर पलटवार, लालू परिवार लूटने में लगा है, नीति गलत बनेगी तो विरोध होगा ही। तेजस्वी को भी आपने सुना था, उस पर अब सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि लालू परिवार लूटने में लगा है, ये सुनते हैं। पॉलिसी यदि कोई गलत बनाता हो तो उसी पर आधार पर कहा जा रहा है। जिस तरह कर्नाटक में और आंध्रा में जिस तरह मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का प्रयास किया गया कांग्रेस पार्टी का, उसी का तो विरोध हो रहा है। इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में मोदी जी लगे हैं और लालू जी का पूरा परिवार बिहार और देश को लूटने में लगा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार, इनकी सोच धर्म तक सीमित है, विकास पर ये बात नहीं कर सकते। ये डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी बोला है, पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इनकी सोच सिर्फ धर्म तक ही सीमित है। आपने सुना था तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, उसके बाद सम्राट चौधरी का ने जो पलटवार किया वो भी हमने आपको सुनाया। अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार, इनकी सोच धर्म तक ही सीमित है। सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं और ये तुष्टीकरण करने वाले लोग सत्ता एन केन प्रकारेण प्राप्त करने की मानसिकता से भयभीत हैं। इनको लग रहा है कि आज सभी माँ भारती का संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है तो हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सुचिता का, सुशासन का। ये राजद कांग्रेस के लोग सुचिता सुशासन पर क्यों नहीं बोलते? देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि देश से करप्शन हटना चाहिए, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा महामारी है। तो सिर्फ विजय सिन्हा ही नहीं बल्कि चिराग पासवान की ओर से भी बयान आया है और उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये सब कुछ तुष्टीकरण की राजनीति है, मोदी राज में सबको योजना का लाभ मिला है, धर्म नहीं बल्कि ये लोग खतरे में हैं। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने बयान दिया था धर्म को लेकर, सनातन को लेकर, उस पर अब पलटवार जारी है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गरीब कल्याण की योजनाएं बनाते हैं, आप मुझे बता दीजिए कौन सी ऐसी योजना है जिसको धर्म के आधार पर बांटा गया।
ये लोग तो आरक्षण को भी धर्म के आधार पर बांटते हैं, जो कि पूर्णतः संविधान के खिलाफ है। ऐसे में अगर आज 81 करोड़ लोगों को देश में अगर अनाज मिल रहा है 5-5 किलो का, उसमें कहीं ये देखा गया कि ये हिंदू को बांटा जा रहा है या ये मुसलमान को बांटा जा रहा है? जब हम लोग उज्ज्वला दे रहे हैं तो उज्ज्वला हम लोगों ने कभी ये देख के तो नहीं दिया कि ये हिंदू महिला को दिया जा रहा है या मुस्लिम महिला को दिया जा रहा है, या शौचालय हिंदू महिला के घर पे बन रहा है या मुस्लिम महिला के घर पे बन रहा है। ये जब ऐसी बातें करते हैं कि ये धर्म खतरे में है, वो धर्म खतरे में है, ये हकीकत में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आप इस पाप में भागीदार बनेंगे क्या? क्या कोई इस पाप में भागीदार बनेगा क्या? इस पाप में राम और कृष्ण की धरती पर क्या गौहत्या होगी क्या? और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि हम इस पाप में कतई भागीदार न बने, और इसी के लिए आज मुझे अशोक नगर में भी आना पड़ा है। अशोक नगर में इसी बात को लेकर के कि हमें विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ना है और पूरे देश की आवाज के साथ गुना संसदीय क्षेत्र को अपनी समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए एक लंबे समय तक जिस विरासत के प्रति सम्मान का भाव आपके मन में है, उस सम्मान के भाव को बरकरार रखते हुए हमें नए भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर की जो आवाज है उस आवाज के साथ आगे बढ़ना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है बहनों और भाइयों, हम लोगों ने तो यूपी में पहले आश्वस्त कर दिया है, 80 लोकसभा सीट हैं, 80 की 80 लोकसभा सीटों में 80 मनकों की माला मोदी जी के गले में उत्तर प्रदेश डालने को तैयार है, और मध्य प्रदेश में भी 29 लोकसभा सीट हैं। इस बार जो मुझे लार दिखाई दे रही कि 29 की 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने की तैयारी कर रहा है, और इसकी शुरुआत भी हो गई है खजुराहो से और इंदौर से, तो इसकी शुरुआत भी हो गई है, हो गई है ना, आपने देख लिया है ना। तो जब शुरुआत ईश्वर ही सब करा रहा है तो फिर आपको तो उसमें और सहभागी बन जाना चाहिए। गुना में भी प्रचंड बहुमत की सरकार बननी चाहिए, और यूपी के लोगों से तो मैं बोलता हूं भाई, आपने जो संकल्प लिया कैसे पूरा करेंगे? झारखंड के पलामू में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा आपने अपने एक वोट से कांग्रेस की महाभ्रष्ट सरकार को हटा दिया, आपने एक वोट ने बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई। राम मंदिर को लेकर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा आपके एक वोट से आज बन गया राम मंदिर, आपके एक वोट ने 370 की दीवार को जमींदोज कर दिया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने की बात कर रहा है, आज पाकिस्तान बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा मेरे आंसुओं में तलाश रहे अपनी खुशी, मोदी मौज के लिए नहीं मिशन के लिए पैदा हुआ है।